दोस्तों मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है ढोलक, इसको बोलते हैं ढोलक, ठीक है। और ये जो ढोलक है इसका दोनों साइड होता है, एक है छोटा साइड और दूसरा है बड़ा साइड। छोटा साइड को बोलते हैं चाटी मदीन डाया, ठीक है, तीन नाम है। और बड़ा जो साइड है इसको बोलते हैं बेस डग्गा बाया, इसका भी तीन नाम है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। चलिए अभी ढोलक को कैसे रखना है वो आप समझ लीजिए। बजाने से पहले ढोलक को रखना कैसे है, अगर आप ढोलक को सही से नहीं रखेंगे तो ढोलक को सही से बजा भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को करना क्या है, एक पैर को ऐसे मोड़ना है और उसके ऊपर दूसरी पैर रखना है और फिर ढोलक को ऐसे रख देना है। बस ये हो गया आपका पोजीशन ढोलक रखने का, ठीक है। दोस्तों तबला बजाने के लिए बहुत पाबंदी होता है, जैसे कि हम लोग का जो ये रिंग फिंगर है ये आपका टच होकर रहना चाहिए, ये जो मिड फिंगर है ये टच नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों का जो बेस का हैंड है ये पोर्शन सियाई पर टच होकर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों ढोलक में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, ढोलक को आपको बिल्कुल खुला बजाना है, खुला। ओके, तो दोस्तों आप लोगों को तो ये पता जरूर होगा कि ढोलक और तबले पे बजाने के लिए बहुत सारा ताल है, जैसे कि केरवा हो गया, दादरा हो गया, तीन ताल हो गया, रूपक हो गया, दीपचंदी हो गया, ऐसा करके बहुत सारा ताल है। तो उसी ताल में से आज हम लोग एक ताल को पकड़ लेते हैं और उसी के ऊपर हम लोग आज बजाना सीखेंगे। तो दोस्तों चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास वाला जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी इस चैनल में नया वीडियो पोस्ट हो जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों वीडियो को अभी से एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो पूरा धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ढोलक का दोनों साइड है चाटी और बेस, ठीक है। तो हम लोग आज चाटी साइड में सबसे पहले क्या एक्सरसाइज करना है वो हम देखेंगे। तो केरवा ताल हम लोग आज लिए हैं सीखने के लिए। तो केरवा ताल में कितना मात्रा होता है जानते हैं हम लोग, केरवा ताल में होता है आठ मात्रा, कितना, आठ, ठीक है। उसका हाफ करेंगे तो चार, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग को आज ये 1 2 3 4 को पकड़ के ही चलना है। देखिए मैं आगे बताता हूँ कैसे। ये है दोस्तों हम लोगों का फील्ड, जैसे वॉर में फील्ड होता है ना, सैनिक लोग युद्ध करते हैं, BSF आर्मी वगैरह, तो उसी तरह से हम लोग का ये हो गया फील्ड। और ये वो वॉर का फील्ड नहीं है, ये है प्लेइंग फील्ड। क्या है, प्लेइंग फील्ड। और ये है हम लोग का सोल्जर, ये प्ले करेगा, ठीक है। तो भाई ये दोनों दल में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये है आपका फिंगर का पोजीशन, ये हो गया इंडेक्स फिंगर, ये मिड फिंगर, ये रिंग फिंगर, ये लिटिल फिंगर। तो ये तीनों को एक दल में आप डिवाइड कीजिए और ये इंडेक्स फिंगर को सेपरेट दल में रखिए। देखिए आपका ये हो गया पोजीशन ढोलक बजाने के लिए, ये है आपका फिंगर का पोजीशन, दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, देखिए हम लोग क्या बोले हैं, 1 2 3 4 इसको पकड़ के चलेंगे। तो भाई काउंट ऐसा रहेगा 1 2 3 4, ये जो तीन उंगली है दोस्तों इसको खाली सपोर्ट लेना है, इस पर कोई प्लेइंग नहीं होगा, ये खाली सपोर्ट 1 2 3 4। और ये जो इंडेक्स फिंगर है इस पर ही ये ढोलक का जो फील्ड है इसमें प्ले होगा। और ये फील्ड का जो कॉर्नर होता है, किनार बोलते हैं ना, जो ढोलक का किनार होता है उस पर ये जो पूरा उंगली टच नहीं होगा, देखिए ये इंडेक्स फिंगर का जो ऊपर का पोर्शन है खाली इतना ही टच होगा। दोस्तों समझ में आया, ओके। तो चलिए हम लोग को एक्सरसाइज क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कंटिन्यू चलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, समझ में आया दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया है, अभी हम लोग बेस साइड में प्लेइंग क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि चाटी साइड में प्लेइंग के लिए आप लोगों का फिंगर का पोजीशन बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए, वैसे बेस साइड का प्लेइंग के लिए भी आपका हाथ का पोजीशन बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, जो सांप होता है, सांप का फन जैसा यू शेप का होना चाहिए, यू, ओके, ये यू शेप का आपको हाथ रखना है। और जो प्लेइंग होगा वो टॉप ऑफ द फिंगर, क्या, टॉप ऑफ द फिंगर, फिंगर का टॉप से प्लेइंग होगा आपको। और एक प्लेइंग होता है दोस्तों वो है खुला, तो कुछ इस तरीके से प्लेइंग होता है। तो ये एक्सरसाइज आपको घर में करना है, कैसे कैसे करना है देखिए, इसका हाफ ऑफ द पाम, ये हाफ ऑफ द पाम आपका, ये जो बेस साइड का रिंग होता है इसको बोलते हैं रिंग, ठीक है,
ये रिंग पर ऐसे करके प्ले होगा, और पूरा जो हाथ है पम, इसको बोलते हैं पम, ये पूरा पम आपका इस तरह से एक्सरसाइज होता रहेगा खुला, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया यू शेप का, ये आपका टॉप ऑफ द फिंगर से प्ले होगा ये बेस फील्ड पर, ठीक है। अभी बेस को यूज कैसे करना है, बेस तो हम लोग एक्सरसाइज पता चल गया कि भाई इसको ऐसे ठोकना है, इसको ऐसे साउंड निकालना है, तो भाई इसको बजाना भी तो है ना। तो ये जो टॉप ऑफ द फिंगर है उसको यूज करके आपको वन और फोर पे प्ले करना है। देखिए कैसे, एकदम स्लोली मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लेकिन ध्यान से देखिए। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। दोस्तों हम लोगों का जो चार्टी साइड का प्लेइंग है वो तो सेम रहेगा, लेकिन हम लोगों का जो मेन फंडा है वो है बेस साइड में। बेस साइड का जो प्लेइंग है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होके बजता है, और आप लोगों का जो बोल का मिठास है वो एक अलग टाइप का सुनाई देता है और बहुत अच्छा सुनाई देता है। देखिए दोस्तों, ये था प्लेइंग का कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल। और अभी क्या करते हैं, हम लोग स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं। जो स्पीड है उसको बोलते हैं लय, क्या बोलते हैं लय। तो चलिए लय को थोड़ा बढ़ा के आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम लोग अभी बजा रहे थे, अब इससे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। कहा है और जो जो एक्सरसाइज आप लोगों को बताया है, ये अगर आप सही तरीके से घर में एक से डेढ़ घंटा रोज करेंगे ना, तो आप लोग बिल्कुल ढोलक बजाना सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे कहा है वो आप लोगों को करना होगा, और जो जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दिखाया है वो आप लोग बड़े ध्यान से कीजिएगा। हो सके तो इसको थोड़ा सा लिख के रखिएगा, और ये वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। तो इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पास में रहा जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल से इस तरह का आप लोगों का नॉलेज के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक बढ़िया सा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।